हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मंजुला पद्मनाभन के फेमस प्ले हार्वेस्ट की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। हार्वेस्ट प्ले मंजुला पद्मनाभन ने 1997 में लिखा था। इस प्ले को उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सटायर के रूप में लिखा था। प्ले की सेटिंग मुंबई में है और समय है 2010। मेन करैक्टर है ओम यानी ओम प्रकाश, उनकी वाइफ जया, ओम प्रकाश का छोटा भाई जीतू और इनकी माँ इंदुमती प्रकाश जिसे माँ कहा गया है। कंप्यूटर के यूज बढ़ने के कारण ओम प्रकाश की जॉब चली जाती है। वो जॉब हंटिंग पर जाता है। एक दिन वो घर आकर न्यूज़ देता है कि उसे एक डिफरेंट टाइप की जॉब मिली है। उसे जॉब देने वाली कंपनी का नाम है इंटर प्लाजा कॉरपोरेशन और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिसके का अनुसार ओम प्रकाश अपने जो ऑर्गन्स हैं उन्हें ट्रांसप्लांट करवाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में इसके कारण इंटर प्लाजा कॉरपोरेशन के अंडर में ओम प्रकाश, उसकी वाइफ जया, जीतू, पूरी फैमिली की जो लाइफ है वो इनकी कंट्रोल में आ जाती है। इंटर प्लाजा कॉरपोरेशन से दो गार्ड आते हैं और वो ओम प्रकाश के घर में एक मॉनिटर इंस्टॉल करते हैं। कुछ समय बाद मॉनिटर पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम बताया जाता है वर्जीनिया जीनी। ये वर्जीनिया जीनी आकर ओम प्रकाश को कमांडिंग वे में ये बताती है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब पीना है, कब टॉयलेट जाना है। इसके लिए ओम प्रकाश के किचन को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो जो जो वो बताएगी वही खाए, यानी कि हेल्थी खाए। ओम प्रकाश के घर में एक वेस्टर्न टॉयलेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त ये भी होती है कि ओम प्रकाश अनमैरिड होना चाहिए। तो अब क्योंकि ओम प्रकाश तो मैरिड है, उनकी वाइफ है जया, तो वो ये शो करवाते हैं कि ओम प्रकाश ये शो करता है कि ये जया एक्चुअली उसकी सिस्टर है, यानी कि रियल वाइफ को वो सिस्टर बनाकर प्रेजेंट करता है और अपना भाई जिसका नाम है जीतू, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और एक मेल प्रोस्टिट्यूट है, कभी ये जया का लवर होता था, उसे ये जया का हस्बैंड के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। कहानी आगे चलती है, वो कमांड देती रहती है। इसके बाद समय आता है जब गार्ड आकर ओम प्रकाश को पकड़ने आते हैं कि अब इसको लेकर हम ट्रांसप्लांट के लिए लेकर जाते हैं। उस टाइम डर के मारे ओम प्रकाश बेड के नीचे छुप जाता है और उसका जो ब्रदर, जो ड्रग एडिक्ट ब्रदर है जीतू, वो उसको पकड़ लेते हैं और उसके माइंड पर एक स्क्रीन लगा दी जाती है, यानी कि अब जीतू जो है वो पूरी तरह से वर्जीनिया जीनी के अंडर में आ जाता है, पूरी तरह से वो मशीन बन जाता है। ओम प्रकाश तो अब इसके बाद ओम प्रकाश का कोई रोल नहीं आता है, जीतू पूरी तरह से मशीन बन चुका है। अब मशीन पर एक नया फेस सामने आता है जिसका नाम होता है विर्जिल। ये जो विर्जिल है, अब जया को ये समझ में आता है कि ये जो विर्जिल है इसने अपने आप को फॉरएवर यंग रखने के लिए जीतू की बॉडी को अपने अंडर में किया है और वो विर्जिल जो है वो जया को ऑफर करता है कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे ई सेक्स करना चाहता हूँ, बिना तुम्हें टच किए हुए मैं तुम्हारे अंदर अपने स्पर्म्स डाल दूंगा और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो जया इस बात को मना कर देती है। जया कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ जो इनकी माँ है इंदुमती प्रकाश, उसे कोई परवाह नहीं है कि मेरा बेटा बहू के साथ में क्या हो रहा है। वो अपने लिए एक कैप्सूल का ऑर्डर करती है, एक प्रॉपर वे में कैप्सूल आता है जिसके अंदर वो फिट हो जाती है और वो उसे बाहर से लॉक कर दिया जाता है। जब वो पूछती है कि अभी माँ खाना वगैरह कैसे खाएगी, तो वो बताते हैं कि ये एक सेल्फ सस्टेन्ड कैप्सूल है, आपको खाना पीना सब इसके अंदर ही हो जाएगा। यानी कि देखिए, माँ पूरी तरह से कंट्रोल में है, ब्रदर इन ला जीतू पूरी तरह से कंट्रोल में है, ओम प्रकाश कंट्रोल में है और अब वर्जिल जो है वो जया को अपने कंट्रोल में करने के लिए उससे ई सेक्स की बात करता है। गार्ड आकर धमकाते हैं कि मैं तुम इसे ई सेक्स करो, तो जया कहती है अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और यहाँ पर ये प्ले एंड हो जाता है। ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर ये बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है। आई होप ये फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।